की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन चार राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ चार राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में और जिनके परिश्रम से आज भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पहली बार सात चरणों में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और संपन्न होने के साथ ही आज मतगणना के बारे में जो तमाम प्रकार के भ्रामक प्रचार पिछले दो तीन दिनों से चलाए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए प्रशासन और पुलिस विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग के सभी कार्मिकों को भी
हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उन सब का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हरेक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र भारत सरकार से जुड़े हुए सभी मंत्रियों के साथ ही सभी पदाधिकारियों के सहयोग से जो ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है, एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ाना होगा।